सुंदरलाल बहुगुणा को तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। 1973 में उन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू किया और उसे लीड भी किया। 1980s में भी उन्होंने एंटी टीवीडा मूवमेंट में अपना अहम योगदान दिया था। पर दुख की बात तो ये है कि 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा ने 21 मई 2021 को एम्स ऋषिकेश में कोविड-19 के चलते दम तोड़ दिया। निश्चित ही हम उनके महान योगदानों को नहीं भूलेंगे।